नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्षों पहले अखंड भारत का सपना देखा था। क्या वो सपना 2020 में पूरा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई नए प्लान सामने आ रहे हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वर्षों का सपना आज मोदी जी ने पूरा कर दिया है, जिसे पाकिस्तानी हिंदू कटोरा छाप झंडे की तारीफ न करके बल्कि तिरंगे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का ऐसा ही सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन पीओके को कब्जा करने से पाकिस्तानी हिंदुओं को पूर्ण रूप से ये विश्वास हो गया है कि अब खटारा इमरान की खैर नहीं, क्योंकि पहले नागरिकता संशोधन कानून आई, उसके बाद पीओके, जिससे पाकिस्तान के हिंदू गदगद महसूस कर रहे हैं। वहीं शिवम भगना कहते हैं कि मोदी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, वरना पाकिस्तान में जिस तरह अत्याचार होती है हिंदुओं के साथ, देख देख के कलेजा फट जाता है। लेकिन क्या करें, हम खुलकर आवाजें उठा नहीं सकते, हमारी आशाएं सिर्फ नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। तो वहीं योगी कहते हैं कि मोदी जी जय श्री राम, आप हमें इस नरक भरे कीचड़ से निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप नहीं भारत को संभालते तो शायद भारत का निशान मिट भी जाता, लेकिन नेहरू और कांग्रेसियों ने जिस तरह भारत को बर्बाद किया, तो भारत के लोगों को इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन पाकिस्तानी भाइयों से ये साफ साबित होता है कि कंगाल पाकिस्तान से पाकिस्तान की जनता कैसी हैरान है। इससे साफ हो जाता है कि ये टोपी छाप जहां रहेंगे अपनी असलियत दिखा कर रहेंगे, लेकिन भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, जिससे हिंदुस्तान के चार मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान एक साथ मिलकर बना रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।